सबको दिल से सलाम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माँ मोटर से। ये गाड़ी है बोलेरो BS6। ये गाड़ी का पिकअप तो प्रॉब्लम है, पिकअप नहीं है और मीटर में सिक लाइट कंटिन्यू जलाई रहता है। तो ये पिकअप घूमते बहुत कारण से होता है यार, इसमें जाम है, जाम के लिए पिकअप डाउन है। तो ये गाड़ी गुवाहाटी गया था, गुवाहाटी ईयर चेंज करने के लिए बोला, फिर गुवाहाटी में नहीं मिला, फिर गाड़ी फिटिंग करके वापस लेके आया इधर। पूरा ईयर खोल दिया, ईयर बाहर कर दिया, कितना कार्बन लग गया। बहुत कार्बन है इसका, सबसे क्लीन करेंगे। ये कवर है, कवर में देखिए कितना कितना जितना हॉल है सब सारा बोल रहे। ये भी अच्छा से क्लीन करेंगे। और इजर बॉडी, ये रहा इजर बॉडी, इजर बॉडी भी कितना कार्बन लग गया। और ये रहा इजर स्विच, इजर स्विच ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का कारण है, मेन कारण है, ये गाड़ी शोरूम में गया था, ये शोरूम में नया नहीं मिला, गाड़ी एक महीना रोकने के लिए बोला, तो नहीं रोका। फिर हमारा साथ बात हुआ तो हम बोला ये रिपेयरिंग होगा, तो ये लेके आया गाड़ी, तो हम ये रिपेयरिंग करेंगे, अच्छा से क्लीन होगा, चेंज करने का ज़रूरत नहीं, क्लीन करना सकेगा तो क्लीन करेंगे, क्लीन करने का कोशिश करेंगे। गाड़ी गुवाहाटी शोरूम से लेकर आया, ये गाड़ी वाला भाइयों को पूछता है किस लिए लेकर आया, तुम्हारा गाड़ी किस लिए लेकर आया। टू ईयर खराब हो गया था, खराब था क्या बस शोरूम में क्या बोला, वो लोग बोल रहे हैं एक महीना, एक महीना। हाँ तो बाद में, बाद में तो हम इधर फोन किया था, ओके ये रिपेयरिंग नहीं होगा, वो बोल रहा रिपेयरिंग नहीं होगा, रिपेयरिंग क्या है, सफाई नहीं होगा, वो बोल रहा सफाई नहीं होगा, इसे चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास है, हम कोशिश करते हैं वॉश सफाई करने का। गाड़ी गुवाहाटी से घूम कर आया, कोशिश करेंगे ये सफाई करने का। ईजियर का वीडियो कितना बनाऊंगा, और रोज़ खुलता हूँ एक एक ठुकर के, ईजियर रोज़ खुल रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मतलब है, ये कोई भैया ईजियर क्लीन करना नहीं सकने से हमारा पास आइए, हम क्लीन कर देंगे, जैसे भी जाम हो हम कर देंगे, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी बाहर से घूम के आया नहीं सका। ये जो ईजियर कूलर है, बॉडी में जाम नहीं है, जो ईजियर कूलर है, कूलर जमा हुआ, ये ईयर स्विच, ये ईयर स्विच होने से खाली ईयर चेंज करना ज़रूरत पड़ता है, और ये स्विच ठीक होने से चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ये जब तक ठीक है ये ईयर चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी एक्स्ट्रा में भी मिलता है, ये भी ठीक है। ये जो ईयर कूलर जो है, ये कूलर जम हुआ है, और कूलर ही जम होता है ईयर का, बहुत क्या है ईयर सफाई कितना करूँगा, रोज़ कर रहा हूँ, रोज़ एक टू कर रहा हूँ। तो अगर कोई भैया ने ईजियर सब वॉश करना नहीं सकता है, बोलता है जो चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा पास है, जैसे भी जाम हो हम चेंज नहीं करेंगे, सफाई करेंगे, क्योंकि ये जो पीछे वाला जो कवर है, ये कवर हम काट के सफा वॉश क्लीन करता है, जैसे कचरा दिख रहा है, सारा कचरा है, ये सारा कचरा है, जाम हुआ है, अभी काट दिया, ये गेंडर से काट दिया, सफा करेंगे। अगर कोई भैया नहीं ये सफा करना नहीं, वॉश करना नहीं सकता है, चेंज करने के लिए बोलता है, तो हमारा पास आइए, हम जैसे भी जाम हो क्लीन करेंगे, चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाया, कोई भैया को ऐसा हुआ जो जाम हुआ, चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, काट के भी वॉश करना सकता है, बाकी क्लीन करना सकता है, या अभी सफाई करेंगे, अच्छा से काट दिया, अच्छा से क्लीन कर दिया, अभी कोई कचरा नहीं है अंदर, अच्छा से क्लीन कर दिया, ये काला काला दिख रहा है, ये कचरा नहीं है, ये आग से जलाया इसलिए काला काला दिख रहा है।
तो बहुत भैया ने ये वॉश करना नहीं, क्लीनिंग करना नहीं सकने से ये चेंज करता है। इसका बहुत दाम भी बहुत है, एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, पूरा असेंबली मिलता है, इजियर असेंबली। ऐसे फ्री घुसना चाहिए, एक्सोबलेस आर पार फ्री नहीं घुसना, फ्री नहीं घुसने से ये क्लियर नहीं होगा, और फ्री घुसने से बीमार नहीं आएगा। नहीं तो फ्री जाम घुसने से और पिकअप का प्रॉब्लम, पिकअप का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अभी इसको ऑलिंग करेंगे, आइए देखते हैं। गियर दिख रहा है, अभी जोर दिया, अभी वॉल्डिंग से पूरा जोर देंगे। किसी को पता ही नहीं चलेगा जो ये काट के वॉल्डिंग किया है। तो फिर भी स्टील रॉड नहीं है, स्टील रॉड से दूसरा बार वॉल्डिंग करने से स्टील रॉड से करेंगे, स्टील रॉड नहीं है, पता नहीं चलेगा। इसमें कलर भी लगा देंगे, कलर लगाने से पता ही नहीं चलेगा। अभी ये इसका बैक साइड का हॉल बंद हो गया।